हेलो दोस्तों, मैं रेणु दुबे देसी किचन बाई रेणु डी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कलौंजी में पड़ने वाला मसाला बताने जा रही हूँ, कलौंजी मसाला। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँ बनाना, उससे पहले प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कलौंजी मसाला बनाने के लिए हमने जो जो मसाले लिए हैं वो इस प्रकार हैं। हमने खड़ा सूखा धनिया लिया है, जीरा ले लिया है, कलौंजी ले लिया है, इसको कहीं कहीं मगरेल भी बोलते हैं और इसे कहीं कहीं कलौंजी बोलते हैं इसको, मेथी दाना ले लिया है, अमचूर पाउडर ले लिया है और सौंफ ले लिया है। दोस्तों, अब हम इनको भूनना शुरू करेंगे, जिसके लिए अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर दिए हैं, उस पर हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं दोस्तों। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है दोस्तों, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो हम धनिया सबसे पहले भून लेंगे, इसके साथ में ही हम जीरा और सौंफ भी भून सकते हैं। तो हम जीरा पीछे से भूनेंगे दोस्तों, सौंफ हम इसके साथ में ही ऐड कर देंगे। और अब इसको हम भूनना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, इस तरह से 2-3 मिनट हमने भूना और हमारी धनिया और सौंफ लगभग भून चुकी है। थोड़ी देर इसको और इसी तरह से भून लेंगे हम लगभग 1 मिनट तक। और देखिए, हमारी धनिया सौंफ खूब अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इनको हम एक थाली में पलट लेंगे। तो दोस्तों, हमारी कढ़ाई पहले से ही गर्म, इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जीरा भी हम धनिया के साथ ही भून सकते थे दोस्तों, आप धनिया के साथ ही भूनिए, मगर हमने अलग इसलिए इसको भूना कि हम जीरा थोड़ा ज़्यादा भून रहे हैं, जितना कि हमें मसाले में ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जीरा ज़्यादा इसलिए भून रहे हैं कि इसको हमें अलग से पीस के भुना हुआ जीरा निकाल के रखना, जीरा पाउडर है, इसलिए हम इसको अलग से भून रहे हैं। इसको भी हम इसी तरह से 2-3 मिनट तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे, ज़्यादा तेज़ करके नहीं भूनना है हमें। तो देखिए दोस्तों, हमारा जीरा भी खूब अच्छी तरह से पक गया है और अब इसको भी हम पलट लेंगे। हमने अपने जीरे को पलट लिया दोस्तों। अब इस चलेंगे हम अपनी मेथी को भूनने। दोस्तों, हमने अपनी कढ़ाई में मेथी दाना ऐड कर दिया है। मेथी दाना हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हमारे मसाले के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही लेना है, जिससे कि ज़्यादा मेथी दाना डालने से क्या होता है कि हमारा मसाला कड़वा लगने लगता है। इसमें हम कम मेथी दाना ही ऐड करेंगे और इसको भी इसी तरह से हम भून लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मेथी दाने भी खूब अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इनको भी हम पलट लेंगे और गैस की फ्लेम को अपने हम बंद कर देंगे। इस तरह से हमने अपने मेथी दाने को भी पलट लिया दोस्तों। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया दोस्तों। हमारी कलौंजी, ये मगरेल जो है काफ़ी दिनों से रखा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको भी रोस्ट करेंगे। इसको ज़्यादा भूनना नहीं, गैस की फ्लेम को बंद करके बस थोड़ा सा गर्म करके इसको भी पलट लेंगे हम। इसको भूनने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, मगर ये काफ़ी दिन से रखा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो चलिए, अब इसको भी हम पलट लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सारे मसाले इस तरह से भून चुके हैं और अब हम इनको ठंडा होने के लिए, ठंडे लगभग ये हो चुके हैं कि थोड़ा गर्म है, मिक्सर में पीसना है, इसलिए इनको थोड़ा और ठंडा होने देंगे। थोड़ा देर ठंडा होने के लिए 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इन मसालों को अपने पीसेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। हम सबसे पहले जीरा को पीसेंगे। जीरे को हमने अपने मिक्सर जार में ऐड कर लिया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। देखिए, हमने जीरा को पीस लिया है, अब इसको हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। हमने अपने जीरा पाउडर को देखिए प्लेट में पलट लिया है और अब हम धनिया पीसेंगे, जिसको कि हमने मिक्सर जार में ऐड कर लिया है। चलिए, अब हम पीस लेते हैं इसको भी। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपने धनिया पाउडर को पीस के पलट लिया और अब हम अपने मेथी दाना को पीस लेते हैं, इसको भी हम मिक्सर जार में ऐड करके पीसते हैं। देखिए, हमने अपने मेथी दाना को भी पीस लिया, अब इसको भी हम बाउल में पलट लेंगे। मेथी दाना मिक्स करने के बाद दोस्तों, अब इसी समय हम इसमें अपना पिसा हुआ जीरा पाउडर भी ऐड कर लेंगे। उसको हमें सारा नहीं ऐड करना है, इसमें अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे, जितना उसकी क्वांटिटी हो हमारे मसाले की, उसके हिसाब से हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे।
आमचूर पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम घर की कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे एक चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे हम। और नमक हम इसमें एक से दो चम्मच के लगभग ऐड कर देंगे, ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जिस भी सब्ज़ी की कलौंजी बनानी होगी हमें उसमें हम अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से वैसे भी ऐड करेंगे, तो इसमें ज़्यादा हमें नहीं ऐड करना है। और इसमें अब हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे, आपके यहाँ जो भी तेल खाया जाता हो आप वो तेल मिला सकते हैं, हम इसमें सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने अपने सारे मसालों को मिक्स कर लिया खूब अच्छी तरह से, हमारा कलौंजी मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसमें हम कलौंजी मसाला डालना अपना भूल गए मगरैल, इसको भी हम थोड़ा डाल के मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से इस मसाले को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप किसी भी चीज़ कलौंजी में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो बैंगन की कलौंजी हो, भिंडी की कलौंजी हो, या आलू की कलौंजी हो, जिस चीज़ की भी आप कलौंजी बनाइए इस मसाले के साथ बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों आप इस मसाले के साथ और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे आप अगर आपके घर में लहसुन खाई जाती है तो जब आप कलौंजी बनाएं तो इसके साथ लहसुन को छील के कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके घर लहसुन नहीं खाई जाती है तो आप इसको ना भी ऐड करें तो भी इस मसाले के साथ आपकी कलौंजी बहुत ही अच्छी बनेगी। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।